विलोसिटी ऑफ साउंड साउंड की विलोसिटी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है विलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रू ई बाई रो ई क्या होता है हमारे पास मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी रो है हमारी डेंसिटी तो सॉलिड लिक्विड गैसेज में अलग अलग हमारे पास मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है उनको हम यूज़ करते जाएंगे तो हमारे पास सॉलिड में जो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है यंग्स मॉडल्स आप यहाँ पे वाई की वैल्यू रखोगे डेंसिटी ऑफ मेटेरियल की रखोगे आपको साउंड की विलॉसिटी मिल जाएगी फिर हमारे पास लिक्विड्स में वही चीज़ अब बल्क मॉड्यूलस बन जाता है बल्क मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है अगेन डेंसिटी रखोगे आपको साउंड की वेलोसिटी मिल जाएगी गैसेस में हमारे पास जो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस ही होता है लेकिन बल्क मॉड्यूलस गैसेस में अलग अलग प्रोसेसिस के लिए अलग अलग डिफाइन है जैसे अगर आइसोथर्मल हम बात करें तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू एक्चुअली प्रेशर पी के ही बराबर हो जाती है और न्यूटन ने बोला था कि हमारे पास देखो चारों तरफ टेम्परेचर तो सेम ही रहता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो आप यहाँ पर बल्क मॉडुलस पी का यूज़ करो उस प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लो और डेंसिटी की यहाँ पे वैल्यू रखोगे पी बाय रो करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है स्पीड ऑफ साउंड वो आ जाती है अंडर रूट आर टी बाय एम के बराबर और ये जो हमें रिजल्ट मिलता था वो एक्चुअली टू सेवेंटी मीटर पर सेकेंड के आसपास वैल्यू आती है जो कि गलत है हम जानते हैं एक्सपेरिमेंटली तो साउंड की स्पीड इससे ज़्यादा होती है उसके लगभग सौ साल बाद हमारे पास लैपलैस ने करेक्शन दिया लैप्लैस ने बोला कि हाँ भाई हमारे आसपास पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो इतनी जल्दी जल्दी ट्रैवल करता है कि टेम्पोरेली हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता हो उसको बेसिकली इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो हीट ट्रांसफ़र कर पाए हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी यानी कि प्रोसेस को एडियाबेटिक मानो और जब प्रोसेस को एडियाबेटिक मानते हैं तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर पी की जगह गैसेस में वही चीज़ गामा पी के बराबर हो जाता है वहाँ पर आप गामा पी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सेम जो आपको फॉर्मूला भी अंडर रूट आर टी बाई एम आया था वो वैल्यू अब आ जाती है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती थी, थी वो अप्रॉक्सिमेटली टू सेवेंटी मीटर पर सेकेंड के आसपास आती थी जो कि गलत है लैपलेस <coughs> करेक्शन के बाद वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड के आसपास जो कि करेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो हमारे पास जो फॉर्मुला ऑफ साउंड की वेलोसिटी है उसे हम गामा आर टी बाई एम याद रखेंगे टेम्परेचर है टी एब्सोल्यूट इन केल्विन एम क्या है मॉलिकुलर मास जो कि हमें किलोग्राम पर मोल में रखना होगा यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है वेलोसिटी इन सॉलिड ज़्यादा होती है फिर वेलोसिटी इन लिक्विड होती है फिर आती है वेलोसिटी इन गैसेस तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है हमारे पास सॉलिड्स में ये एक जनरल ट्रेंड है आपको इसे पता होना चाहिए और यही वेलोसिटी ऑफ साउंड है अब देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड पे अगर गैस की बात करूं तो अलग अलग चीजों के वेरिएशन से कुछ फर्क पड़ता है वो भी हमें पता होना चाहिए उस पर भी बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड उसमें वेरिएशन देखते हैं हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ई बाय रो तो हमारे पास गैसेस में जो बल्क मॉड्यूलर यूज किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती है गामा टाइम्स पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ अलग अलग रख दोगे तो हमारे पास यही वैल्यू हो जाती है गामा आर टी अपॉन एम यहाँ पर एम मोलर मास है अच्छा एक बात बताओ अगर मैं प्रेशर में वेरिएशन करूँगा तो क्या मेरा साउंड की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पर दिख रहा है मैं वेलोसिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ प्रेशर प्रेशर में चेंज करूँगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और यहीं पे हो जाती है गलती क्योंकि अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है है ना अगर मुझे बोल दिया गया कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी वॉल्यूम कम हो जाएगी तो डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम कम होगी तो फिर डेंसिटी भी बढ़ जाएगी डेंसिटी बढ़ जाएगी प्रेशर भी बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रहा है इफेक्टिवली वो फिर कैंसिल आउट हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते है ना हम ये नहीं कह सकते वेलॉसिटी इज़ प्रपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर ये हम नहीं बोल सकते ये सिर्फ तभी काम करेगा ओनली इफ ये मैं लिख देता हूँ ओनली इफ डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो कि जरूरी नहीं है ऐसा दिया हुआ हो तो इसको ध्यान रखना आपको मैं लिख देता हूँ प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होती है अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू तो कॉन्स्टेंट है इसका मतलब डेंसिटी फिर वहाँ पर बढ़ जाती है तो याद रखना चलो ठीक है अब देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है डब्ल्यू आर टी टेम्परेचर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें आ जाता है हमारे पास गामा आर टी अपॉन एम अब किसी भी गैस के सैंपल के लिए गामा की वैल्यू फिक्स होती है आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है उसका मास भी मोलर मास भी चेंज नहीं होता है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर रिलेशन आ रहा है हमें किसी और फैक्टर को चेक करने की जरूरत नहीं है तो हम लिख सकते हैं वेलासिटी इज़ प्रपोर्शनल टू अंडर रूट टी यहाँ पर टी इज इन केल्विन इसका ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में मत यूज कर लेना एक और वेरिएशन हमें पढ़ना होता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी अब देखो ह्यूमिडिटी के साथ किस तरीके से वेरिएशन होगा तो हमारे पास ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा एक तो ऐसा हो गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसमें ह्यूमिडिटी आ गई बारिश आ गई यानी कि कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स भी आ गए पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो एयर का प्रेशर उतना ही हम मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं ओ टू एन टू अच्छा हमारी एयर क्या है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ओ टू एंड एन टू है ना नाइन्टी नाइन परसेंट तो यही दोनों है ओ टू का मोलिकुलर मास कितना हो जाता है हमारे पास मोलर मास की मैं बात करूँ तो ये हो जाता है थर्टी टू ग्राम पर मोल एन टू का कितना है ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल अगर इनकी जगह मैं एच टू ओ का मॉलिक्यूल डाल दूं तो इसका कितना है एच टू ओ का हो जाता है मेरे पास एटीन ग्राम पर मोल तो इससे मुझे एक चीज़ पता चलती है कि अगर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारे पास मोलिकुलर जो मोलर मास है एवरेज मोलर मास कौन सा एवरेज उसकी वैल्यू कम होगी है ना अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हटा करके उसकी जगह हाइड्रोजन डालते जा रहे हो एवरेज मोलर मास तो कम हो जाएगा क्योंकि ये तो हल्का है तो हमारे पास एम एवरेज की वैल्यू कम होगी अच्छा ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वी साउंड विल इंक्रीज तो आपको याद रखना है ह्यूमिडिटी बढ़ती है वेलोसिटी भी बढ़ती है ह्यूमिडिटी बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं बारिश हो जाए या फिर आप कोस्टल एरिया में चले जाओ समुद्र में चले जाओ समुद्र के आसपास वाले इलाकों में वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज इट वॉज एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस बहुत ही लल्लू सा सवाल वीडियो को पास करो क्वेश्चन को सॉल्व करो इसका करेक्ट आंसर है सी तो देखो हमारे पास वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय सिर्फ टेम्परेचर में चेंज किया जा रहा है वेलासिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं यहाँ पर कैलविन में होता है तो देखो ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस यानी कि थ्री हंड्रेड कैलविन अगर हमें वेलोसिटी डबल करनी है टू वी करना है तो हमारे पास टेम्परेचर हो जाना चाहिए फोर इंटू थ्री हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड और आप ऑप्शन डी मार्क कर दोगे फिर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि ये ट्वेल्व हंड्रेड कैलवन होना चाहिए ज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन आएगा तो नाइन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर इस तरह छोटे मोटे सवाल है लेकिन बहुत सारे द वेलॉसिटी ऑफ साउंड इन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो फोर रेशियो वन एट एन टीपी ये देखो सवाल कठिन होते होते उन्होंने उसको ईजी बना दिया कैसे वेलॉसिटी की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम हमारे पास दो केसेस हैं दोनों केसेस में अगर हमारी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो मुश्किल हो जाती है देखो आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और दोनों जगह एन टी पी की बात करिए तो टेम्परेचर भी दोनों जगह सेम रहने वाला है गामा और एम बदलेंगे अच्छा एक बात बताओ हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और ये जो मिक्सचर बन रहा है वो भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो भी हमारा डाया एटॉमिक है तो गामा दोनों केसेस में सेम रहने वाला है गामा इज इक्वल टू सेम एटॉमिक गैसेस इज इक्वल टू कितना आता है सेवन अपॉन फाइव ठीक तो गामा भी चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ हमारे पास एम की वैल्यू चेंज होने वाली है तो वेलॉसिटी इज प्रपोर्शनल टू वन बाय रूट एम अब एक बार आपको हाइड्रोजन से कंपेयर करना है इस मिक्सचर से इस मिक्सचर के लिए एवरेज मोलर मास क्या है वो पता करो वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को सॉल्व करो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैसे है? तो देखो हमारे पास आ, सबसे पहले मोलर मास पता कर लेते हैं हमारे पास मोलर मास ऑफ एच टू गैस उसकी वैल्यू कितनी होती है टू ग्राम पर मोल mol, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिक्सचर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो हो जाएगा एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू तो वैल्यू रखो हमारे पास हाइड्रोजन के चार मोल्स हैं उसका मोलर मास है टू ग्राम पर मोल प्लस ऑक्सीजन के एक है और उसका होता है कितना ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन 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 थर्टी टू डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा फोर प्लस वन ये वाली वैल्यू आ जाती है एट प्लस थर्टी टू डिवाइडेड बाय फाइव ये कितना होगा फोर्टी टू डिवाइडेड बाय फाइव इसकी वैल्यू आ जाती है एट ग्राम पर मोल अब हमारे पास ये रिलेशन था यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम अपॉन एम डैश है ना इसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ एम पहले था टू ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय अब हो चुका है फ, आ, एट ग्राम पर मोल तो ये कट जाएगा हमारे पास वी डैश की वैल्यू आती है सीधे सीधे वी डिवाइडेड बाय टू ऑप्शन नंबर डी बिकम्स और करेक्ट आंसर तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था किस्मत अच्छी थी गामा की वैल्यू सेम रह गई क्योंकि दोनों ही डायटोमिक थे नहीं तो गामा मिक्सचर भी कैलकुलेट करना पड़ता जो हम के में ऑलरेडी सीख चुके हैं साउंड ट्रेवल्स इन अ मिक्सचर ऑफ टू मोल्स ऑफ ही एंड एन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इफ़ आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर इज रूट टू टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वैल्यू ऑफ एन विल बीक्वल टू तो अगेन ये बहुत ही अच्छा सवाल है इसमें हमें दिया गया है वेलासिटी ऑफ आर एम एस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स वेलासिटी ऑफ साउंड आर एम एस वेलासिटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट थ्री आर टी डिड बाई एम इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स साउंड का फॉर्मूला क्या होता है गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम बहुत ही आसान हो जाता है ये सवाल बस इन्होंने यहां पर एक चीज कर दी कि ये भी मिक्सचर का यूज होगा ये भी मिक्सचर का यूज होगा ये भी मिक्सचर का यूज होगा उस मिक्सचर के हिसाब से आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन को सॉल्व करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैसे आया देखो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कट जा रही हैं ये आर से आर कट जाता है टी से टी कट जाता है एम मिक्सचर से एम मिक्सचर कट जाता है हमारे पास एक चीज पता चल जाती है कि गामा मिक्सचर की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाती है थ्री डिवाइडेड बाय टू और गामा मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है होता है सी पी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय सी वी ऑफ मिक्सचर अब देखो हमारे पास टू मोल्स ऑफ हीलियम एंड एन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू मोल्स ऑफ हीलियम एंड एन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हैं अब हमारे पास गामा की वैल्यू आनी है थ्री बाई टू मिक्सचर के लिए गामा मिक्सचर के लिए सी पी मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू डिवाइड बाय हमारे पास सी वी ऑफ मिक्सचर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो होता है एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू यहाँ पे आप देखोगे एन वन प्लस एन टू से एन वन प्लस एन टू इस तरीके से कट जाएंगे हमारे पास वैल्यू क्या जाती है एन वन सी पी वन अच्छा इसको मैं वन मान लेता हूँ इसको टू मान लेता हूँ तो एन वन दो मोल है दो इन टू सी पी ऑफ वन उसकी वैल्यू कितनी है हीलियम हमारी मोनो एटोमिक है तो उसके लिए सी पी की वैल्यू जाती है फाइव बाई टू आर प्लस एन टू मुझे नहीं पता वो तो एन है सी पी ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन अब हमारी डावर्टो में कहते हैं यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सेवन बाई टू आर डिवाइडेड बाय एन वन यानी कि टू इंटू सी वी ऑफ वन इसके लिए सी वी की वैल्यू कितनी होती है थ्री बाई टू आर प्लस एन इंटू फाइव बाई टू आर इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास थ्री बाई टू के बराबर यहाँ आप देखोगे कि सारे के सारे पहले तो डिनोमिनेटर में से टू इस तरीके से काट दो सारे के सारे आर इस तरीके से काट दो तो हमारे पास वैल्यू है जाती है फाइव टू जेड टेन प्लस सेवन एन डिवाइडेड बाय सिक्स प्लस फाइव एन इज इक्वल टू थ्री बाय टू अब इसको सॉल्व कर सकते हैं एन की वैल्यू ऑप्शन है हमारे पास एन की वैल्यू वन रख के देखोगे तो ये कितना जाता है सेवनटीन अपॉन इलेवन एन की वैल्यू टू रख दोगे तो यह आ जाता है ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटीन और ये कट के थ्री बाई टू हो जाता है इससे पता चल जाता है एन इज इक्वल टू टू आने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर बहुत ही अच्छा सवाल था सी पी सी ऑफ मिक्सचर पता करवा लिया ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का उस क्रैश कोर्स में 40 दिन में हमने पूरी की पूरी इलेवंथ और ट्वेल्थ की फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया विद कल्फो ग्राफिक्स दो दो तो घंटे की क्लासेस हैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन उसको जरूर चेकआउट करो साथ में आपको देखना पड़ेगा मेरा ब्लॉगिंग चैनल पढ़ाने के अलावा मैं क्या क्या काम करता हूँ सोच रहा हूँ पूरे इंडिया की रोड ट्रिप कर लूँ <laughs> तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी जरूर चेकआउट करना और कलरफुल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन हम मिलेंगे पूरे के पूरे फिजिक्स के कोर्स में अरे मेरी पेंसिल बदल गई